थ्री। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मौर्य शिवम। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पे बैठे इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो बैटरी चाहिए। ये दो बैटरी है, एक 12 वोल्ट 12 एम्पियर की ये दो बैटरी, और ये मैंने एक टायर है जिसको मैं ये मोटर पे फिट करूँगा जिसके थ्रू साइकिल का टायर घूमेगा। ये जो मोटर आपको दिख रहा है ये 24 वोल्ट और 250 वोल्ट की ये मोटर है, और ये मेरे पास जो मल्टीमीटर है इसको मैं अपनी बैटरी चेक करने के लिए, डाउन है कि अप है, वो चेक करने के लिए मैंने ये मल्टीमीटर रखा है। और ये चार्जर है, ये बैटरी अगर जैसे लो हो जाती है उसको चार्ज करने के लिए। और ये जो पिन दिख रहा है आपको, ये दो बैटरी को जॉइंट करने के लिए प्लस माइनस में, जो पावर थोड़ा कंपेयर हो जाए। और ये जो आपको चार नट दिख रहा है ये मोटर को फिट करने के लिए मैं ये वोल्ट है, और ये पेचिया मैं यूज़ के लिए रखा हूँ। हो गया ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने अभी साइकिल में फिट किया है, यहाँ पे मैं मोटर फिट करूँगा। ये जो नट आपको दिख रहा है इसको मैं मोटर को अप डाउन करने के लिए, हम इस मोटर को, इस टायर को इस मोटर पे फिट कर देंगे। बंद कर दें, ये मोटर अब मैं टाइट कर दिया हूँ। अब इसको मैं बैटरी से एक बार चेक करता हूँ। ये दो वायर, दो बैटरी को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए एक मैंने प्लस पे और एक माइनस पे लगा दिया। अब मैं इसको चेक करूँगा, ये प्लस वाला प्लस पे और माइनस वाला माइनस पे। इस पर आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड कितनी तेज है, और इस पर इसको अभी मैं साइकिल फिट करने जाऊँगा। अभी हम ये जो होल आपको दिख रहा है इससे हम मोटर को टाइट कर देंगे। हम पेचे से इस मोटर को टाइट कर देंगे जिससे मोटर हिले ना। टाइट कर रहा हूँ, यहाँ टाइट कर देंगे जो ये बिल्कुल हिले ना, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ आएगी। ये जो नट आपको दिख रहा है, ये जैसे मैंने नट लगाया मोटर को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे टायर अगर घिस जाता है तो इससे हम मोटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिलहाल अपने काम चलाने के लिए हम बैटरी यहाँ पे फिट कर देते हैं, अभी सिर्फ चेक करने के लिए कि साइकिल चलती है कि नहीं चलती। दोनों बैटरी की पावर एक साथ देने के लिए हम एक प्लस में और एक माइनस में ज्वाइंट कर देंगे जिसके थ्रू दोनों बैटरी की पावर एक ही साथ, एक ही प्लस माइनस में निकले। एक बार हम ट्राई करते हैं, मोटर को बैटरी से चला के देखते हैं कि टायर अपना घूमता है कि नहीं घूमता है। ये अभी हम ब्लैक रेड वाला रेड में ज्वाइंट करेंगे और ब्लैक वाला ब्लैक में, देखते हैं अपना टायर घूमता है कि नहीं घूमता। आप देख सकते हैं इसमें टायर घूम रहा है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे टायर की स्पीड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं रेड वाला मैंने रेड में, फिर से ये मैंने ब्लैक में ज्वाइंट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो वायर है, ये मोटर के दो वायर हैं, इसको मैं बैटरी का रेड वाला रेड में और ये ब्लैक वाला ब्लैक में ज्वाइंट करता हूँ, जिसके हम देख सकते हैं टायर घूमता है कि नहीं। आप इसे देख सकते हैं कि मोटर की स्पीड कितनी है। अब इसको हम स्विच लगा के टेस्ट करते हैं। पे मैंने एक स्विच फिट किया है, इसको पुश बटन कहते हैं। यहाँ से स्विच फिट करने के बाद मैंने इसको टेप से चिपका दिया है। फिर यहाँ से मैंने, एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने ये रेड और ब्लैक का वायर यहाँ पे ज्वाइन करके, यहाँ से मैं वायर यहाँ से लाते लाते मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मोटर के पास ला दिया है। अब मैं ये वायर मोटर को बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो दो वायर आया है इसको हम एक प्लस के साथ ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको टेप से चिपका देंगे जिससे ये वायर टच ना हो। यहाँ पे जो दूसरा वायर आपको दिख रहा है उसके साथ भी हम एक वायर ज्वाइंट कर देंगे, हम चिपका देंगे जिससे एक दूसरे से वायर टच ना हो। आप देख सकते हैं इसमें से ये जो एक मोटर में से जो एक रेड वायर निकला है, वो रेड वायर यहाँ से जाके, यहाँ से सीधा जाके स्विच में गया है, फिर वहाँ से एक और वायर वो यहाँ से आके ये आया, इसको हम बैटरी में फिट करेंगे। ये रेड वाला वायर हमने अपने रेड में फिट कर दिया है, ब्लैक वाला भी लेंगे, वो भी अपने ब्लैक में फिट कर देंगे।
आप इसमें देख सकते हैं, अब हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल जो है तैयार हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का मैंने वायर स्विच से ज्वाइंट किया है। ये ब्लैक कलर का वायर जो है वो डायरेक्ट जाके मोटर से ज्वाइंट हुआ है, और ये रेड वाला है आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों वायर गया है। ये दो वायर को मैंने यहाँ से जाके यहाँ पे सीधा स्विच पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे दो वायर है, आप देख सकते हैं कि अब स्विच दबाने से ये मोटर चलता है कि नहीं चलता है। ये भैया अपने स्विच दबाएंगे, हम देखते हैं। आप देख सकते हैं ये भैया ने स्विच दबाया है। अभी यहाँ पे ये स्विच दबाने वाले हैं, ये उन्होंने स्विच दबाया, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे स्विच दबाया है और यहाँ पे ये साइकिल का टायर घूम रहा है। तो आप भी घर पे ऐसे बना सकते हैं। अब हम इस साइकिल को एक बार चला के देख सकते हैं कि अपने ये वजन उठा पाती है कि नहीं। इधर पास में इधर आप देख सकते हैं ये मैंने स्विच लगा दिया और पीछे बैटरी है। क्या अब हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको आपके सामने चला के भी दिखाया। अगर ये आपको इलेक्ट्रिक साइकिल पसंद आई हो तो आप इस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।